विश्व नशा मुक्ति दिवस पर उज्जैन में जन जागृति अभियान चलाया गया, साथ ही हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन भी किया गया। 26 जून को पूरे विश्व में नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन जिले में भी हजारों की संख्या में युवा अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा, मेंडेक्स आदि नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन युवाओं को नशे की लत से बचाने और नए लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने के लिए परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा केंद्र पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इसलिए कि सपोज करो अपनी फैमिली में या अपने यार दोस्तों में यदि ब्लड देने का काम पड़ गया तो अपन को ये याद होना चाहिए कि आज अपन उस बीमारी से सेफ हैं और नेगेटिव हैं। साथ ही टावर चौक पर आम जनता को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पैम्पलेट बांटकर लोगों को नशे से दूर रखने का प्रयास किया गया। परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र के संचालक कुमार वैभव ने बताया कि उज्जैन में हजारों युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले में लगभग जो आबादी है उसमें 33-35% अभी नशे से ग्रस्त हैं। बेसिकली यहाँ बॉर्डर पास होने के कारण ब्राउन शुगर का नशा बहुत ज़्यादा करा जाता है। हमारे पास ब्राउन शुगर के नशे के पीड़ित बहुत ज़्यादा आते हैं और अल्कोहलिक थोड़े से कम है, लेकिन क्वांटिटी इनकी बढ़ती घटती रहती है, ब्राउन शुगर का ज़्यादा रहता है। तो उसी के लिए आज नशा रोकने का हमने एक प्रयास करा है, जिसके तहत आज जो नशा मुक्ति दिवस है हमने एक कैंप चलाया है, जिसमें हम पीड़ितों को जानकारी दे रहे हैं और कोरोना का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रोटोकॉल फॉलो करके पैम्पलेट बांट रहे हैं। और आज सुबह भी हमने कई पीड़ित थे जिनको हमने जानकारी दी, जिससे उनके परिवारों को पता चला कि इस बीमारी का भी इलाज संभव है।